नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा पहले ही कर दी है। ऐसे में अब नेताजी की 124वीं जयंती और 125वीं जयंती वर्ष के शुभ आरंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और संघर्ष से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नेताजी की चिट्ठियों पर छपी एक किताब का अनावरण भी किया जाएगा। पीएम मोदी यहां कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसके आखिर में पीएम मोदी का संबोधन का कार्यक्रम है। प्रहलाद पटेल ने यह भी बताया कि बंगाल के मुख्यमंत्री को भी 23 जनवरी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें, ये परंपरा रही है कि पीएम के कार्यक्रम में सीएम भी होंगी और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती मनाई जाएगी। हालांकि इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार हर साल 23 जनवरी पर उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। इससे देश के लोगों, खास तौर पर युवाओं को विपत्ति का सामना करने में नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति की भावना समाहित होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका उषा उत्थोप और गायक पापोल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल परिसर में परफॉर्म करेंगे। समारोह में कई और राजनेता भी मौजूद होंगे। देश के विभिन्न हिस्सों की कई हस्तियां भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। बंगाली गायिका सोमलता आचार्य चौधरी भी अपनी प्रस्तुति देंगी। क्योंकि ये नेताजी की 125वीं जयंती है, इसलिए 125 बच्चे इस समारोह में महान स्वतंत्रता सेनानी के वेश में दिखेंगे। देश के कई हिस्सों के 100 नृतक भी इस समारोह में प्रस्तुति देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।